which is in continuation of the chapter Human Health and Diseases. So today we will start cells of immune system. So cells of immune system. There are two main types of cells involved in the working of immune system, and they are number one lymphocytes and number two antigen presenting cells. So let us begin with lymphocytes. Lymphocytes are main cells of immune system. सबसे पहला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन, लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो लिम्फोसाइट्स स्टेम सेल से ही प्रोड्यूस होते हैं. ये स्टेम सेल्स जो है, जिस स्टेम सेल्स से लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं उस स्टेम सेल्स को बोलते हैं हिमेटोसाइटोब्लास्ट. यहाँ पर मैंने लिखा है हिमेटोसाइटोब्लास्ट. जिस स्टेम सेल्स से लिम्फोसाइट्स बनेंगे उस स्टेम सेल्स को बोला जाता है हिमेटोसाइटोब्लास्ट. तो फीटस में, मतलब जो इंडिविजुअल यूटरस में है, फीटस में लीवर के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं उस स्टेम सेल्स से लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा. और एडल्ट में बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होते हैं उस स्टेम सेल्स से लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है. सबसे पहले एक बात क्लियर करेंगे कि बोन मैरो क्या है. जो बोन मैरो है ये स्पॉन्जी टिश्यू है that is found in some bones. So bone marrow is spongy tissue inside some bones such as hip and thigh bone. Hip bone में, thigh bones में जो bone के अंदर spongy tissue होता है उस spongy tissue को bone marrow बोलते हैं. उस bone marrow में ही ये stem cells होते हैं. उसके बाद का point है differentiation. Lymphocytes differentiate कहाँ होते हैं? Lymphocytes एक तो गट एसोसिएटेड बर्सल लिम्फोइड टिश्यू में डिफरेंशिएट होते हैं. अब ये गट एसोसिएटेड बर्सल लिम्फोइड टिश्यू, गट मतलब इंटेस्टाइन या एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग है उस लाइनिंग में जो लिम्फोइड टिश्यू रहते हैं उसे बोलते हैं गट एसोसिएटेड बर्सल लिम्फोइड टिश्यू, जो कि बर्ड्स में पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग में नहीं. तो जो लिम्फोसाइट्स इस बर्सल लिम्फोइड टिश्यू में डिफरेंशिएट होते उस लिम्फोसाइट्स को बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स. और जो दूसरे लिम्फोइड लिम्फोसाइट्स है थाइमस में मैच्योर होते हैं उस लिम्फोसाइट्स को बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स. तो इसका मतलब हो गया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स विच अंडरगो डिफरेंशिएशन इन गट एसोसिएटेड बर्सल लिम्फोइड टिश्यू इज कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट्स, एंड लिम्फोसाइट्स विच गेट डिफरेंशिएटेड इन टू थाइमस इज कॉल्ड एज टी लिम्फोसाइट्स. थाइमस ये एक ग्लैंड है जो हार्ट के पिछले हिस्से में होती है. उसके बाद का पॉइंट है कि ये जो लिम्फोसाइट्स है ये किस प्रकार की इम्यूनिटी अपने बॉडी में फॉर्म करते हैं. दो प्रकार की इम्यूनिटी अपने बॉडी में है. एक है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, इसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया है मैंने यहाँ पर CMIS. सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय टी लिम्फोसाइट्स. जो टी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स से बनेगी अपने बॉडी में सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. और जो दूसरी इम्यून सिस्टम है वो है ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, AMIS. दूसरे जो लिम्फोसाइट्स है, जो जिसे बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट्स से अपने बॉडी में फॉर्म होगी ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन जो दोनों भी जो इम्यून सिस्टम्स है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, दोनों इम्यून सिस्टम को एक्टिवेशन के लिए चाहिए एंटीजन. ये एंटीजन क्या होते हैं? जो फॉरेन पार्टिकल्स है जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी के अंदर एंटर होते हैं उस फॉरेन पार्टिकल के सेल्स के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और दैट इज कॉल्ड एज एंटीजन. तो ये एंटीजन टॉक्सिक है. जब ये बॉडी में फॉरेन पार्टिकल एंटर होंगे तो इनके एंटीजन भी इनके साथ एंटर होंगे. तो इस एंटीजन की एंट्री से दोनों भी प्रकार के जो सेल्स है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो अपना काम चालू करेंगे. और इस तरह से बी लिम्फोसाइट्स से जो ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बनी है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब दैट विल कम इनटू एक्शन. एंड टी लिम्फोसाइट्स की वजह से जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बनी
कंपनी है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी और दोनों भी मिलके इस पैथोजेन को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन जहां पर लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होगा, जहां पर लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होगा और जहां पर लिम्फोसाइट्स अपना वर्क करेंगे एंटीजन के साथ, वो अपना इंटरेक्शन करेंगे, वो है लिम्फोइड ऑर्गन। तो लिम्फोइड ऑर्गन देखो यहाँ पर लिखा है लिम्फोइड ऑर्गन हाउस फैगोसाइटिक सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोइड ऑर्गन में दोनों प्रकार की सेल्स होती है, फैगोसाइटिक सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स। फैगोसाइटिक सेल्स मतलब जो सेल्स इम्यून सिस्टम के जो सेल्स फॉरेन पार्टिकल को एंगल्फ करेंगी, खाएंगी, उसे बोलेंगे फैगोसाइटिक सेल्स। और लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट्स से मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है, तो लिम्फोइड ऑर्गन में दोनों प्रकार की सेल्स मिलेंगी, एक फैगोसाइटिक सेल जो फॉरेन पार्टिकल को डायरेक्टली एंगल्फ करेंगी और दूसरी लिम्फोसाइट्स जो अलग अलग प्रकार से फॉरेन पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट होंगी, उनका इंटरेक्शन अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो ये लिम्फोइड ऑर्गन विच प्ले एसेंशियल रोल इन द बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म। अब ये डिफेंस मैकेनिज्म मतलब इम्यून सिस्टम एंड इट्स रेजिस्टेंस टू डिसीजेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स। नंबर वन है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और नंबर टू है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। दो प्रकार के लिम्फोइड ऑर्गन है। प्राइमरी में आते हैं थाइमस एंड बोन मैरो। अभी मैंने थाइमस के बारे में बताया जो एक ग्लैंड है, और बोन मैरो के बारे में भी बताया कि जो एक स्पॉन्जी टिश्यू है विच इज प्रेजेंट इन साइड सम बोन्स। तो ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का क्या रोल है इम्यून सिस्टम में। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में लिम्फोसाइट्स आर जनरेटेड अंडर गो डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। मतलब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन है जहां लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होगा, जनरेशन मतलब जहां वो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जहां लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट होगा वो डेवलप होंगे, और जहां लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होगा उसे बोलेंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में लिम्फोसाइट्स आर जनरेटेड, देन लिम्फोसाइट्स अंडरगो डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। उसके बाद है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में टॉन्सिल्स आते, पियर्स पैचेस आते जो इंटेस्टाइन में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। पियर्स पैचेस, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है जो कि पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है, लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक सिस्टम का ये पार्ट है, और दूसरे है MALT म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। जहां जहां म्यूकोसा है, जैसे गट में है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक में है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, जहां पर म्यूकोसल लाइनिंग है वहां पर ये वहां का जो टिश्यू है उसे बोलेंगे म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये एक GILT है, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, और दूसरा है UGLT यूरिनोजेनाइटल लिम्फोइड टिश्यू जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक में है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक के वॉल में। तो इस तरह से ये यहाँ पर अपना आज का लेक्चर खत्म हुआ, और इसके बाद हम बात करेंगे टी लिम्फोसाइट।